हम लोग वापस विला आए, कहीं ना कहीं मुझे और फहाद को एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं सेफ नहीं थी। कोई भी ये मौका नहीं छोड़ना चाहेगा कि वो मुझे स्पेसविला से ना निकालें। आज पीपल आर प्लानिंग अगेंस्ट यू, अगर मौका मिलता तो तेरे को भी निकालना चाहते, बट आई हैव टोल्ड देम वेरी क्लियरली कि मत करो। शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई डोंट वांट हर टू गो एज येट, शी इज अ गुड कॉम्पिटिटर आल्सो। मेरी बात सुन, अगर अभी भी मैं जाके इफ आई यू नो पांच मिनट देगा वो मुझे कह रहा है कि तुम उसे कहती हो कि मैं कबीर के लिए खेल रहा हूँ। उसने ये बात अभी बोली है सामने, जिसने वहाँ पे बोला है। उसने वहाँ पे भी यही बोला है। स्टॉप के दत्ता से पूछ ले। स्टॉप, आई कांट, आई विल नॉट स्टॉप। गुड थिंग्स इन योर हेड। आई वाज रियली पिस्ड ऑफ। फहाद को पता नहीं क्या हुआ, ही केम एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी ऑन दिस पॉइंट कि तुमने गौरव की हाँ में हाँ क्यों मिलाई। तू अपने बबल के अंदर बैठा है, जब वो बबल बर्स्ट होएगा ना उस दिन तू बाहर बैठा होगा। फहाद, ओपन योर आईज, वर्ल्ड इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड कबीर। आज क्योंकि मैं सेफ नहीं थी, कहीं ना कहीं उंगली वजह से मेरी गेम पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। विला वापस आए, वहां पे अनुष्का और मेरी बहुत ही ज्यादा गंदी लड़ाई हो गई, क्योंकि उस बंदी के अंदर इतनी भी तमीज नहीं है कि एक अगर आप मोमेंट शेयर कर रहे हो किसी के भी साथ, एटलीस्ट अगर कोई तीसरा इंसान वहां पे है तो हैव सम सेंस। तो यार मैंने कुछ बोला था, वो जेनेरिक टर्म में बोला था, बट कंपैरेटिवली उन्होंने जो सामने से बोला था, दैट वाज वेरी पर्सनल, एक्सट्रीमली पर्सनल। आई हैड अ ब्रेकडाउन दैट नाइट टू सच एन एक्सटेंट कि आई वाज लाइक मुझे शायद ये शो नहीं होगा मुझसे, और आई वांट टू गो होम। आप एक बात समझो, अगर कोई आप पे कीचड़ उछालता है, आप भी उसके ऊपर कीचड़ डाल देते हो, आप दोनों में डिफरेंस क्या है? डेफिनेटली नहीं है, मैं उसको वार्निंग दे रही थी, मैं कहा डोंट गो ऑन माय डैड। इसके बारे में बात करके तुम और तुम्हारा मूड भी खराब कर रहे हो और सबका यहाँ पे मूड खराब हो रहा है। यस, गो चेंज, गेट रेडी एंड कम टू द डोम। तू सेफ है आज, वो अनसेफ है, बस जाओ। Oppo MTV Splitsvilla Season 11, powered by Denver Deodorants, Aloe Fruit Juice, Manforce, Vega Hairstyling Appliances, Beauty Partner Lotus Makeup, and Celebration Wear Partner Maniver. Aaj, should we just go for it? Yeah, please. Let's just go for it. Yahan par kitne idol matches hain? Three. Roshni Anshuman, Arshi Datta Fahad, and Mehak and Kabir. आज जब इन्होंने परफॉर्म किया तो दो आइडियल मैचेस तो हार गए। आपको सर्वाइव करने के लिए जीतना बहुत जरूरी था। एक एक करके आइडियल मैचेस के साथ डील करते हैं। सबसे पहले अंशुमन और रोशनी, बिकॉज आप आइडियल मैचेस हो, आप वहां पर नहीं हो, लेकिन क्योंकि आप जीते नहीं, आप दोनों यहां पे नहीं रह सकते। ओनली वन ऑफ यू कैन बी सेफ। आई वॉज रियली इन शॉक, आई कुडंट एक्सप्रेस माई सेल्फ। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं या मैं क्या करूं। सो यू गाइस मस्ट डिसाइड बिटवीन द टू ऑफ यू कौन अनसेफ होगा। रोशनी, आई लाइक इट, आपने अपना हाथ भी खड़ा कर दिया एकदम, क्यों? सो आई वांट हिम सेफ, लाइक आई डोंट माइंड गोइंग देयर, आई वांट हिम सेफ। इफ यू गो देयर डू यू थिंक यू आर सेफ? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, बट आई वांट हिम सेफ। I don't want you to go.
I am sure. She's willing to sacrifice for love. Sunny, ऐसे मौके पर जब दो लोगों को एक दूसरे से प्यार होता है, to put somebody in danger is just it's too difficult, man. I don't want Roshni to go there. I don't want him to go. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों. She's the only girl जिसने कहा था कि मैं प्यार ढूंढने आई हूँ. I know. Have you found? Yes. Spitzvilla is like now it's Anshuman. सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके. I found him. I'm happy. I really love her. I love you too. Right. To Arushi, Datta and Fahad. So, what did you decide? Sir, Sir, I'll go. Laya chhadke kithe challa hai. Khud ko risk mein dala tha to save Arushi. To save my Arushi. Bas yaala ye pyaar mughalla hai. क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था वो जाए तो फहद अंदर कुछ दे टूट के गिर आ गए. That's amazing. What a good, what a big sacrifice. भर आए sweet when a man sacrifices for a woman. ये अच्छा लग रहा है कि मैं सिर्फ you know danger में नहीं हूँ, मेरी वजह से कोई safe हो रहा है वहाँ पे, which is somewhere you know still making me happy. Shall we move on? Yes. To the winning ideal match. The winning. जब हमने winning ideal match बोला, तो एक सवाल था महक के चेहरे पे. मैं तो नहीं जीती. मैं तो नहीं जीती. लेकिन आप जीते हो. सो कबीर, यू हैव अ पावर टू सेव वन पर्सन. एट द कॉस्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू. ओह. Because she lost. आपके आइडल मैच में से आप जीत गए ना, तो आप इनको बचा सकते हो. आपको कुछ बोलना है महक उनको पहले? नहीं सर, आई थिंक उनको पता है उन्हें क्या करना चाहिए एंड मैं उन्हें इस चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहती बिकॉज ऑब्वियसली उनका कनेक्शन इस शो में अनुष्का है. I don't think it's fair कि मैं उन्हें बोलूं कि आप मेरे को बचाओ और अनुष्का को मत बचाइए. So Kabir, you need to pick between your ideal match or the love you have for Anushka. So I'm gonna go for Anushka. I mean, I genuinely have a connection with Anushka, and I mean, I don't want to see her there. Anushka, are you okay with that decision? I mean, I guess both of us were pretty clear, sir, and thank you. And I'm not good at expressing that well. It's okay. So let's let Kabir express my favorite question for tonight. What are the things that you like about Anushka?
Would you like to go closer to her? Would that make it easier for you to just speak to her? इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। अनुष्का, यू आर वेरी ब्यूटिफुल एंड मैं जब आपके साथ होता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। आई थिंक यू वेरी कूल एंड यू आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई वांट टू बी विद। इन्ना सोना ओ, इन्ना सोना ओ, इन्ना सोना, इन्ना सोना। So I'd really like to thank Mehak. Please don't. For what she did right now. हाँ जी। Sir, एक बहुत basic manners होते हैं। जब आप किसी bed पे बैठते हैं, तो जूते नीचे रखते हैं, right? ये हमेशा ऐसे बैठती है, जूते बेड पे रख के। Yeah, I said, don't do this, it's not nice. बोलती, तुझे क्या फर्क पड़ता है? And secondly, if you want to with Kabir, you go to his room and over there. She's like, मैं तो यही सोऊंगी, तुझे जाना है तो तू चली जा अपने रूम से। मतलब मुझे मेरे ही रूम से बाहर निकाला जा रहा है। Is your name written on the door? No, right? That's not your room. Okay, first thing fine. First. And आपने क्या बोला मेरे? Yes. So it happened like तू तेरे size देख के बात किया कर शुरू होते ही खत्म हो जाती है. Okay, that was personal. Second personal comment. मैं तेरे से नहीं डरती. I was like don't go on my. She said मैं तो जाऊँगी, मैं तेरे से नहीं डरती. है कौन वो? And what you say back? What you say back? अगर मेरे जाएंगे, I am sorry Anushka. That was a generic thing. What did you say in return? Whatever it is. What did you say in return? She said आपके तो दो. She said it's a generic thing. Main kisi ke se nahi darti. I will still say it here. Main kisi ke se nahi darti. Who are you to tell me ki aapke do hai? Main kisi ke se nahi darti. Who the are you to say that? Comment that's your personal so issue. So why did you comment it on about me and Kabir as well? Why did you comment on me? So agar tum personal ja sakti ho, you're dropping down to a level that's not in there. Like honestly, you're dropping down to a whole new level. Don't. Please don't. That's what don't. I was asking. First you comment on Samyukta. That was super personal. Cheap. Very cheap. About you in other don't, rooms. Don't drag her. You got personal with her also. You don't understand what to speak and what not. I am sorry. अगर मेरे डैड पे कोई जाएगा, so I will equally make you feel bad कि कैसा लगता है जब कोई किसी की फैमिली पे जाता है. I am sorry sir. मेरे डैड और मॉम मेरे लिए मेरी वीकनेस है. If anybody points on them, I'm gonna tell them. I make sure I do that. If you think I'm badtameez, मैं हूँ बहुत badtameez. The reason you're sitting here is because I've been there. You are sitting here because of me, Kabir. Shut up. He's performing. Nobody took your name, Kabir. आज अगर तुम यहाँ बैठे हो तो वो मेरी वजह से बैठे. तुम्हारी पार्टनर और तुम्हारी एक्स, तुम्हारा कनेक्शन किसी ने भी तुम्हारा नाम तुमने उसको तो नहीं रोका, मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? You got what you want. No. Be happy. Definitely. Be happy. And Gaurav, I have something for you. So, yeah, feelings ki bahut baatein hoti hain. Feelings ki kaafi baatein hoti hain. Feelings ko respect karo. Sir, aapki feelings, dekhiye iske andar kya hai. Uske baad bataungi hua kya. That's my cap which I was wearing today. And इन्होंने बहुत प्यार से एक कैप अनुष्का को दी थी. One of your favorite caps to one of your favorite girls.
so. मेरे रूम में बैठ के क्या हुआ सर, कबीर आए, उन्होंने ये कैप ली, नीचे फेंका, उसके ऊपर पानी डाला, फिर अनुष्का की चप्पल से इस कैप को मारा. अनुष्का वॉज राइट देन एंड शी वॉज लाफिंग. ये फीलिंग्स के रिस्पेक्ट करना होता है. Seriously, I was trying to tell him that don't do it. You didn't say that. Shut the. Okay, I said that. You didn't say that. No, Mehak was right there. Still, she didn't stop him. Just picked it up and not tell him ki bhai nahi karna. She didn't stop him. This was just something between us. It was us fooling around. It's disrespecting someone's gift. Your joke is disrespecting from you. I literally took it off you. I said, I like the cap. You were like, keep it. I'm really sorry. When I say keep it, it becomes a gift. Kabir, it just goes on to show your class for me. You guys know your levels, yeah. Ye hamesha Shruti aur mere paas aake ladta hai Anushka ke liye, kyunki main और श्रुति दोनों को अनुष्का से प्रॉब्लम है. Respect the fact that. Really sorry about. I'm genuinely sorry. I mean, it was a joke. क्या intention थी? Honestly, कोई intention नहीं था आपको hurt करने का. No, but why this hat? And this hat is, I told you, I really like this hat. Yeah, I know you did. So why this hat? Because it belongs to me, right? Amazing. Thanks, guys. I'd rather keep it with myself. Amira. Sir, इन्होंने एक बहुत ही और गंदी चीज़ बोली जो मैं शायद बोल भी नहीं सकूँगी. इन्होंने बोला टास्क के टाइम तो तुम हमारी. Yeah, so you do that. I mean, I was pissed off because you were going on my family. तुमने मुझसे बोला. Family. You were going on my family. Before, I was pissed off. It was before that, my love. And you know what? It was stuff before that. It was before that. Mine surfs up all the time. You are literally mouth khola gutter. Yeah, okay? So mine surfs up all the time. That's what I'm saying. Everybody here abuses like that. I don't want to take names. Sir, all I'll say is, जब बोलना होता है तो अच्छा लगता है, जब खुद पे आती है तो वो पर्सनल हो जाता है. Exactly. क्योंकि मेरे खानदान के बारे में बोला गया, मेरे बच्चे के बारे में बोल रही हूँ, मेरे नहीं बोल रही के बारे में बोला गया. And she is nobody to speak about my family or my father. And I'm saying shut it up. Out and open. Shut up. Out shut and up. Open. Shut up. Actually, why did you even get to her dad? Because she actually that said was a generic thing, Myra. से मैं नहीं डरती, कौन है वो? Okay, अगर वो बोले that she didn't mean it, will you take back what you said? No, I am sorry, but I'm actually not sorry for her because उसने मुझे बुरा फील कराया. Doesn't matter, sir. She already said it on national television. Something that I don't want out. Whatever happens with my family happens with my family. Doesn't matter how many fathers I have. That's my story. She doesn't get to say shit. As simple as that. Generic term tha. Main isko bhi bolti thi. Se nahi darti. You can't say that on national television. Tere do. She man. Who the are you outside the villa? I wouldn't even spit back on you. I wouldn't even look at you. It's just that right now, right here, I'm bound to listen to everything you're saying. I wouldn't even spit at people like you outside, villa, man. I swear I wouldn't look at such people outside, villa, man. Here I'm just bound to be with her. And out of everyone, she has the audacity to say something like that. Shouldn't have been here. Can I get an out if I want to quit? No, I'm serious. I can't do this anymore. I cannot. Right from Kabir and me, just a lot of things are gone already at stake, and I don't want. Anushka? Anushka? Come here. This is क्या हो गया? You leaving?
you will be the bad guy forever. Yeah. You can stay here and redeem yourself. Mm-hmm. That's your only chance. If I was in a fight, I would have turned and said yes. I'm just very sensitive. My fault. I know. They don't need to know that. You're letting them know that. Next time you open that another door. That is my weak point. So, जब मैं किसी के साथ एक रिंग में घुस रहा हूँ और मुझे पता लगता है कि उसका लेफ्ट हैंड वीक है तो मैं लेफ्ट पे पेलूंगा ना राइट इट्स ओके लेट दिस थिंग्स गो बट यू ओपन द डोर फॉर हिम सो नेक्स्ट टाइम इन योर एंगर व्हेन यू आर ओपनिंग डोर्स लर्न टू हैव अ कवरेज यू ओपन द डोर से समथिंग गेट दिस शील्ड यू हैव अ ह्यूज शील्ड नाउ जस्ट पुट इट इन योर वर्ड्स ठीक है या थैंक यू थैंक यू All right, we've dealt with the ideal matches. Sunny? Yeah. Bakyu ke saath baat kare? Yeah, well, I mean, we should start somewhere with them. Myra, aap yahan pe baithi hain kyunki aaj aap jeeti. Aap ka koi option hai nahi yahan par. Yes. Samyukta, Shagun ke upar aisa shraap laga hua hai ki wo Oracle ke samne kisi ke saath bhi nahi ja sakte. Aap ja sakti hain. Myra, aap bhi Shagun ke saath nahi ja sakti. That only leaves us with one option, which is Shruti and Gaurav. आप लोग Oracle के सामने जाएंगे और जैसे कि हर couple को एक power मिलती है कि अगर वो एक ideal match बन जाए तो वो किसी का नाम लिख कर जाते हैं जिसको वो dump कर सकते हैं. These guys can talk to you. अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए फिलहाल कोई threat नहीं हूँ, then I just. Handa. Sir, मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि I can stand alone. मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. Well, that's a very honest answer. Thank you. Please, Anshumana, मुझे अलग मत करो. आपने तो मुझे और रोहन को अलग कर दिया. Yeah, that is completely your decision. I'm just trying to pitch. हमारा intention नहीं था आपको अलग करना. रोशनी, I don't know if you remember, उस दिन गौरव ने बोला था कि आज तो नहीं बनता था ब्रो एंड अंशुमन ने मुड़ के बोला था ये तो बहुत लेट हो गया अभी आई सेड बहुत देर हो गया कि रोहन को खुलने में यार वो टॉपिक तो मैं उठा ही नहीं रही हूँ मैं बस ये बोल रही हूँ कि उसने मुझे बोला मुझे अंशुमन को अलग मत करो मैंने बस रिप्लाई किया आपने मुझे और रोहन को तो अलग कर दिया बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप आज रोशनी को बचा लेते हैं मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा बाकी डिसीजन आपका है उस दिन मैंने भी सेम चीज बोली थी कि रोहन को मत निकालना मैं आपकी आई विल बी ग्रेटफुल Shruti and Gaurav, please come to the Oracle and ask kya hum ek ideal match hai. Second time main Oracle ke samne ja rahi hu. Pehle main gayi thi apne pyar ke saath, abhi main ja rahi hu apne yaar ke saath. जब मैं ओरेकल के सामने जा रहा था विद श्रुति मैं खुश भी था एंड यू नो आई वाज आल्सो थिंकिंग कि क्या रिजल्ट होने वाला है बिकॉज मुझे नहीं पता था वेदर आई एम एन आइडियल मैच विद श्रुति और नॉट क्या हम एक आइडियल मैच है गौरव और श्रुति ओरेकल के कैलकुलेशंस के अनुसार आप एक आइडियल मैच
She found her ideal match in her best friend. You know, the greatest relationship starts out as friendships. Yes. क्योंकि श्रुति और गौरव एक आइडियल मैच बन चुके हैं 100% आप चारों में से एक घर जा रहा है या जा रही है जब से आप वहां पर बैठे हो अंशुमन के मुंह से स्माइल हट चुकी है आरुषि दत्ता के मुंह से स्माइल हट चुकी है शी इज एक्चुअली वेरी सीरियस अभी क्या हुआ दत्ता नर्वस डोंट क्राई श्रुति एंड गौरव आपने उस क्यू कार्ड पर किसका नाम लिखा है हु आर यू गाइस डंपिंग टुडे इट्स रोशनी श्रुति ने रोशनी को डंप कर दिया And I was in shock. And I was just sitting there, numb. So I'm right now actually happy कि मैंने ये decision लिया because मेरी जगह अंशुमन होते तो शायद अंशुमन हो सकते थे. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं या मैं क्या करूं एंड मेरे सामने से रोशनी शी वाज डम्ब शी वाज इवेक्टेड पूरे स्पिरिचुअल जर्नी में हम लोग ऐसे थे और आज हमको ऐसे कर दिया था बहुत बुरा लग रहा था इट वाज किलिंग मी फ्रॉम इनसाइड मैं बस स्माइल कर रही थी जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है सर इट्स नॉट बिकॉज मेरे को तुम दोनों को अलग करना था तुम बोलते हो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हो मुझे लगता है कि हम सब लड़ाई करते तुम लोग साइड से निकलते हो तुम भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हो कॉम्पिटिशन बोल के निकाला तुमने मैं तुम्हें कॉम्पिटिशन बोल के निकाल रही हूँ और तुमने रोहन को निकाला मैं तुम्हारा कुन तोड़ रही हूँ इट्स फाइन ही विल स्टिल विन इट फॉर मी है ना रोशनी जाने से पहले कुछ कहना चाहती हो जीत के आना टेक केयर ऑफ हिम आई लव यू आई मिस यू एंड एवरीबडी प्ले वेल दिस वॉज अ वेरी सैड मोमेंट पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का क्योंकि अंशुमन और मैं अलग हो रहे थे मैं बस जा रही थी ये बोल के कि हांडा ध्यान रखियो इसका तू परफॉर्म करना अच्छे से एंड आई जस्ट वॉन्टेड देम टू विन स्पिरिचुअल 11 Bye. Bye, Roshni. Bye-bye. Best of luck. Bye, Rosh. Bye. Fahad, Arushi Handa, Mehak. Feeling lucky? Feeling lucky, but sir, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक emotional level पे एक you know हर किसी की अपनी journey होती है उसके लिए थोड़ा सा sad लगा. मैं बच गया हूँ ये भी है ये खुशी है. Let me mention this. आप हमें क्या बताना चाहती हैं? आज का डोम सेशन अभी बाकी है एक और स्प्लिट्स विलन को कहना पड़ेगा आज स्प्लिट्स विला को अलविदा और ये फैसला लेंगे अनसेफ कंटेस्टेंट्स आपस में
तीनों जो अनसेफ हैं, आपके बीच में से एक और स्प्लिट्स विलन आज यहाँ से वापस घर जाने वाला है या जाने वाली है, लेकिन इसका डिसीजन या इसकी पावर इनमें से किसी के हाथ में नहीं है, आप तीनों के हाथ में। Can we have 3 cue cards, please? आंडा, आपने किसके खिलाफ वोट किया? मैं है। क्यों? Obviously, मेरा कनेक्शन नहीं है तो आई वॉन्ट कि एक लड़का स्टे करे रादर देन लड़कियां ज्यादा बढ़ जाए और लड़के कम हो जाए। महक हांडा हांडा क्यों? लड़कियां बढ़ रही हैं सर, अब टाइम आ चुका है कि कंपटीशन खेले तो। फहद, who's written on your card? Arushiana. I guess वो अभी आई थी और कहीं ना कहीं इतने friends थे कि आप मुझे pick करते उसके। मैं interesting perspective वही देता हूँ आपको। अगर भाई की option by chance चली जाती है, भाई का आइडियल मैच है। That oh my God! What? I'm just giving a perspective. मैंने प्रूफ नहीं करा, प्रूफ नहीं करा। It's a perspective. That far with our thought process, but got a boom. इतना explanation देने का मेरे ख्याल से वक्त है भी नहीं। जो सही लगा वो कर दिया। Yeah. ये लिखा है। Fair enough यार, करिए अपने लिए करिए, मेरे लिए नहीं करिए। हाँ तो ठीक है। फहद आप ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर लो कि आप वही शगुन को सब बोलते थे स्टार्टिंग में कि पूरा पिंड लेके नहीं जा सकते, तो सब लोग नहीं जा सकते। यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग योर गेम नाउ एंड आई सजेस्ट यू दैट टू। दत्ता, वेयर डिड ही गो रॉन्ग यार? आई एम नॉट सेइंग ही इज रॉन्ग, बट अगेन एंड अगेन ही इज सेइंग दिस थिंग, दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग इट अप। इट्स जस्ट मी एंड हमारी बात है आपस की, आई एम जस्ट सेइंग इट टू हिम। हमारी बात बाद में करते हैं, ठीक है? आरुषि, जाते टाइम किसी के बारे में कुछ बोलना है? जीत के आई हो, नहीं तो शक्ल मत दिखाई हो। हम विला वापस आए तो ऑलरेडी विला का माहौल थोड़ा सैड था बिकॉज अंशु और रोशनी आपस में बिछड़ गए थे। रोज रखी, आई लव यू, आई एम नॉट अ गुड एक्टर, विल मिस किसिंग यू, आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ माय स्प्लिट्स विला जर्नी, आई लव यू टू। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँगा क्या, मैं किसके साथ परफॉर्म करूँगा या कौन मेरे लिए परफॉर्म करेगा, जिस तरह से रोशनी मेरे लिए परफॉर्म करती थी और हम साथ में परफॉर्म करते थे। सच कहें, दिल से कहें, मज़ा नहीं आ रहा है भाई। अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा है। मैं कहीं ना कहीं ये बोलना चाहता था कि मैं भी निकलना चाहता हूँ गेम से, बट इस तरह से नहीं जाना चाहता था कि मैं हार गया या मैं हार मान गया, नो। और रोशनी भी मुझे बोल के गई कि तुम्हें जीत के आना है, तुम्हें अच्छे से खेलना है। सो आई वॉज जस्ट, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। डोम से वापस आया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट था क्योंकि मैंने खुद को रिस्क में डाला था टू सेव आरुषि। एक बार भी आके एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार आरुषि आए और मुझे हक कर दे क्योंकि मेरी हालत ख़राब थी। ओके क्या बोल, सैड क्यों? मैं बच गया। तुम बचोगे तो मैं इसके लिए सैड नहीं हूँ, बट You should have seen कि if they didn't voted you out तो तुझे थोड़ा तो ढंग से बात करनी चाहती हुई जी, उधर ही तो शुरू हो गया लड़ाई करना। अरे उन्होंने वहाँ पर भी इसकी इंसल्ट करी। They did you a favor। फहद, वो अगर ही उसकी गलती है ही नहीं, वो लोग उसको इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी डिग्निटी पे बात आ रही है, लगता उनको डिफेंड कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, which was really wrong and upsetting for me, for Fahad, for everyone who was there।
मैं वहाँ पे अनसेफ जोन में गया हूँ ताकि तुम सेफ रहो। तुम्हारा नाम आ रहा है, तुम्हें ये पता है? I know. किन की तरफ से आ रहा था तुम्हारा नाम? I know. किन की तरफ से आ रहा है? I know. मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ गाइस। Something else only. I mean, listen to me all the time. तो क्या expect कर रही थी अनसेफ? तो यार तुम एहसान मत करो। अगर तुम गए हो तुम अपनी मर्जी से। I told you let me go. You said no, I wanna go. तुम एहसान मत जताओ मेरे ऊपर कि मैंने तुम्हें सेफ कर लिया। मैंने आपको वहीं सेफ जोन में रखा है और खुद को रिस्क में डाला। आपको आके एक हल्का सा, मतलब एक होता है ना जेस्चर यार, कि थैंक यू भी ना बोले, लेकिन एक होता है ना जस्ट हग कर ले एक स्माइल के साथ कि हम दोनों सेफ हो गए। पर यहाँ पे कुछ और ही था। मेरी कमी निकाली ना वहाँ पे। मैंने कमी नहीं निकाली है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू गो अगेंस्ट हिम, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट यू प्ले योर्स फॉर योर सेल्फ। वो मैं तुझे पहले से बोलती आ रही हूँ, तो आज अगर मैंने तुझे डोम में ये बात बोली तो इतनी क्यों लगी तेरी? यू सेड इररिलेवेंट है यार ऋषि। मैं मुझे रिलेवेंट लगी, तेरे को रिलेवेंट लगी? तू चली जाती अनसेफ जोन में, तब तेरे को सब तो भेज देता मुझे, अड़ जाता तू भी, मुझे नहीं जाना, अड़ जाता। ये देख फिर अगेन यू जता दिया, जता दिया अब फहद ने, जता दिया तूने, जता दिया। अगर तू गया तो तेरा अपना डिसीजन था, अगर तुझे नहीं जाना था तो वहीं बैठे रहता, मैं चली जाती। बट डोंट लाइक Put it on my face. You have an option. Perform with her. Let me be. मैं बाहर हो जाऊंगी अगले डोम में. I'm okay with it. तेरे को अगर बाहर करवाना होता है, रिस्क लेना होता है ना तेरे से लेके, तो तेरे को बोल देता मैं वहाँ पे चले जाएं अनसेफ ज़ोन में. जा तू नॉमिनेटेड. तूने नहीं किया, अब कर दियो. तुम किस मिट्टी के हो? समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या दिमाग में भरा है, समझ नहीं आता मुझे. और फिर बोलती चिल्लाते क्योंकि यू ओनली ऑल द टाइम यू पुश मी देयर. गुड. यू प्रेशराइज़. यू नो कहीं ना कहीं मुझे मतलब डाउट होना शुरू हो गया था कि यार मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो बंदा, वो मेरा आइडियल मैच कैसे हो सकता है? Don't expect anything from you. Good. I'm Seriously. Not there with you now. The thing I did na, I didn't be selfish. Yeah. I seriously feel, you know, I don't. ऐसे कोई फायदा ही नहीं है, लड़के मर मर के एक दूसरे को गाली लड़ तुम रही हो. You have decided this. वरना पता है क्या, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज तेरे को अच्छा लगेगा, तेरे को बिलीव हो जाएगा कि हाँ मैं तेरे लिए. तू बोलती है ना एहसान नहीं कर रहा मैं, तू खुद बोलती है मेरे को. मैं वहां से निकल गया बिकॉज मैं ज्यादा फाइट नहीं करना चाहता था ऋषि, बिकॉज I was broken यार। मुझे नहीं बात करनी, I'm okay with being alone and being voted out tomorrow. I don't wanna play with this man again. If he can't respect me, let him self. I am not playing with him again. यार I can't take a man's shit on my face again and again and again. कितनी बार सुनूं मैं? मेरी बात सुन, उस वक्त भी मैं देखो यही बोल रही थी. I don't know if it's gonna go there or not. I don't care. मैं अभी भी बोल रही हूँ. तुझे पता देखो उसने क्या क्या चीजें बोली. Not saying कि तू उसके against हो जा. मैं देखो उस दिन से बोल रही हूँ कि तेरे को बोला गया है कि यू फ्लर्ट विद हिम, यू क्रॉस द लाइन एंड ऑल ऑफ दैट, फिर भी यू ओके विद बीइंग अभी भी सपोर्टिंग कबीर कबीर तू फिर भी यू ऑलवेज चूज टू प्ले विद देम. पता है क्या कर रही है? एक आइडियल मैच बन के बच जाएगी. तू पता है क्या हो रहा है यहां पे? यहां पे तुझे और तेरे बंदे की बात कभी होती नहीं है. यहाँ पे चार लोगों की बात, दो बंदों की बात होती है. दो बंदों की बात भी होती है तब भी उसके दिमाग में वही है जो वहां से भर के आया. मेरी बात सुनो, वही तो कह रहा हूँ, दो बंदों की बात होती है और तीसरा तुम्हारा सुनता है, चौथा तुम्हें बता देता है, ये होता है. सारे रोडीज दत्ता के दिमाग में डालने लग गए थे कि तुझे समझ नहीं आ रहा कि जो भी फहाद कर रहा है वो कबीर की वजह से कर रहा है. आई थिंक जो भी लड़ाई है दोनों को आपस में बात करनी चाहिए, देन दूसरों की बातें सुननी चाहिए. इतनी लड़ाई और इतना सब खिच-खिच होने के बाद फाइनली मेरा मन नहीं था कि मैं किसी से बात करूं या मैं गेम के बारे में कुछ भी और डिस्कस करूं. आई वाज रियली पिस्ड ऑफ. एक सवाल आ गया था, कैसे आगे परफॉर्म कर पाऊंगा इसके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला. नेक्स्ट सुबह हुई एंड मैं कल रात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, सो ही नहीं थी ठीक से. स्क्रॉल आया स्विट्ज़रलैंड. आज आपको बतानी है अपनी स्विट्ज़रलैंड की कहानी फिल्मी अंदाज में एज अ कपल. प्रपोजल एलिमेंट आपकी कहानी में होना जरूरी है. आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो यू नो एक्साइटेड कि अब आने वाला मजा. दिस इज माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एक्टिंग है एंड वी आर गोइंग टू किल इट. I have no idea, man. I'm pretty lost. Interesting story के angle से सोचियो. इस task के लिए मुझे पता था अगर आज मेरे साथ कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो मतलब कल भी मेरे को डंपिंग जोन में खड़ा होना पड़ेगा. मैंने अंशुमन से बात करने की कोशिश करी थी कि मुझे क्यों लगता है कि उन्हें मेरे साथ परफॉर्म करना चाहिए. Me and Myra have performed together a lot of times and और जिस हिसाब से जितने दिन बचे हैं और जिस हिसाब से स्पीड जा रहा है, I think I'll have to perform with Myra. ठीक है, आप हैंडल करो.
लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मायरा के साथ परफॉर्म करना चूज करा एंड आई वॉज लेफ्ट अलोन एंड आई हैड नोबडी टू परफॉर्म विद. अब जबकि चैलेंज था एज अ कपल था तो मैं सारे डिफरेंसेस सारी फाइट सारी गालियां जो उसने मुझे दी वो सब भुला के मैं आरुषि के पास गया एक फ्रेश स्टार्ट के लिए. मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं थी कि मैं परफॉर्म कर सकूं बट कहीं ना कहीं क्योंकि परफॉर्म करना बहुत जरूरी था तो हम लोग बैठे स्क्रिप्ट लिखने. कबीर ने क्या बोला है कभी तुमने बोला है कभी बता. अब ये मुझसे मैं पूछने को बता दी मैंने पूरी स्क्रिप्ट तू लिखना अपने हिसाब से. एक बार और बोलेगी कुछ खर्चा नहीं होगा पता ना कबीर ने बोला. मैं उससे बार बार पूछ रहा हूँ तो वो बहुत ही अजीब से मेरे को रिप्लाई कर रही है. दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ना वहाँ पे जाके दो दिमाग में आएगा वही बोलेंगे वे नॉट प्ले. नहीं ये लाइंस से जाना पड़ेगा. एग्जैक्ट सेम डिट्टो मतलब नहीं बोले तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी. पनिशमेंट की बात नहीं आसपास तो रहना ही पड़ेगा. तो वही है ना बीच बीच में फहाब मेरी बार 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 लड़ाई हो रही थी. अरे तो कुछ भी लिख बस एक आइडिया के लिए लिखना है ना तो लिख दे. आइडिया के लिए लिखना है फॉलो पेपर है ना मेरे पास तो जो भी बोलेगी ठीक है कबीर तू ठीक है. यार एक घंटे में तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेगी मैं सारी लाइनें भी याद कर लूँ. मैंने बहुत झेला बट आज लिमिट हो चुकी थी. ये तो है तेन आर तेन लाल तेरे बाल नील तेरे नैन आए नहीं तो लुट लिया दिल का चैन. सर आए विला में पहली बार और हमें पता चला कि आज का बेवॉच सेशन हमारे विला में ही होगा तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आज का चैलेंज वैसे ही इतना इंटरेस्टिंग है. आपकी स्प्लिट्स विला की कहानी आपकी जुबानी करेक्ट ब्रॉट यू बाय लोटस मेकअप. आई एम एक्साइटेड टू सी ये क्या होने वाला है. जी सर बाकी सब अच्छे लग रहे हैं लड़कियाँ लड़कियाँ बट सबसे अच्छी सुंदर लग रही है गौरव. श्रुति श्रुति सर. अच्छा ये श्रुति है और आप कौन है. गौरव. गौरव और रोहन भी. और रोहन भी. ओह वाओ आप अपनी कहानी बता रहे हैं फहद और आरुषि. सर हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि वी ट्राइड अ लॉट बट आरुषि को लगता है कि शायद मैं हमेशा उसके अगेंस्ट होता हूँ और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स प्रिपरेशन में भी चलते रहे. यू नो मैक्सिमम क्या हो सकता है कौन रिस्क किसी के ट्रस्ट के लिए यहाँ पे रख सकता है कि वो घर जाने का रिस्क ले रहा और मैंने लिया उसके बाद भी कोई बोले ट्रस्ट नहीं है वो थोड़ा सा बहुत हर्ट हुआ सर. मैंने यही सोचा कि यार इससे अच्छा तो मैं चले ही जाता. आपका आइडियल मैच ही आपके साथ नहीं खड़ा जब उसके साथ ही आपकी बन नहीं रही और जब उसी से आपकी लड़ाई हो रही हो तो योर वर्ल्ड गेट्स टॉर्न अपार्ट यू डोंट नो व्हाट टू डू. आरुषि सर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने खुद अपना नाम बोला तुम बैठो मैं चला जाता हूँ. सो इट वाज अ म्यूचुअल थिंग. आप वापस आके मुझे ये जता रहे हो कि भाई तुमने मैं बोल रही हूँ प्लीज मैं लेट मी स्पीक फहद लेट मी स्पीक राइट नाउ आपके बारे में मैंने एक बार भी नहीं बोला मुझे आप बोलने दीजिए प्लीज. तो जहाँ गलत होगा वहाँ मैं मैंने तब भी नहीं बोला मैंने आपकी गलत बातें भी सुनी आप प्लीज मेरे को बोलने दो पहले जो हुआ वो बोला आप कलेक्ट करके रखो एंड में बोल देना कलेक्ट. उसके बाद ही कम्स अप ही शाउट्स ऑन मी एज इफ पता नहीं क्या हो गया सच अ बैड वे. आई एम सॉरी सर मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करे. इट वॉज टर्निंग लाइक अ मेंटल टॉर्चर फॉर मी. मेरे लिए बहुत ज्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है बार बार उस चीज को ऐसे प्रिटेंड करना कि एवरीथिंग इज फाइन व्हेन इट्स नॉट. That was the, I guess, you know, the end of everything. और मैंने मूड बना लिया था कि मैं शायद अब ये गेम क्विट कर दूँ. उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और मैं कौन सी दीवार में अपना सर मार लूँ क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था जो भी हुआ और जो भी हो रहा था.